अपने यूट्यूब में इधर उधर हो गए वो ना हो। हाँ बड़ी समस्या है हम लोगों के साथ कि रोज रोज कहाँ से इतने गाने बने, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कुछ नया हो जाए। एक गीत आजकल खूब बज रहा है शशि भैया सुनिए। कि है जिंदगी कितनी खूबसूरत उन्हें अभी ये पता नहीं है। गीत कह रहा है क्या के है जिंदगी कितनी खूबसूरत उन्हें अभी ये पता नहीं है। के जिन्हें कोई प्यार करने वाला, अरे जिन्हें कोई प्यार करने वाला यहाँ अभी तक मिला नहीं है। तो है जिंदगी कितनी खूबसूरत उन्हें अभी ये पता नहीं। जिंदगी कितनी खूबसूरत जिंदगी कितनी खूबसूरत उन्हें अभी ये पता नहीं है। के जो खानदानी अच्छी लगती है, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, लेकिन लेकिन के तुम्हारा लहजा बता रहा है के तुम्हारी दौलत नई नई है। धन्यवाद। है जिंदगी कितनी खूबसूरत उन्हें अभी ये पता नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत जिंदगी कितनी खूबसूरत उन्हें अभी ये पता नहीं है। अभी आपने सुना भगवान श्री राम का पावन नाम, चाहे उल्टा जपिए चाहे सीधा जपिए राम का नाम निकलता है निकलता है। और मैंने भी अपनी तरफ से वही नाम पवित्र नाम जपा है। अब जरा गीत को सुनेगा शशि भैया। भगवान श्री राम साधारण देवों में नहीं है, नर लीला करने के लिए पृथ्वी पर आए, लेकिन जरा देखिए अपने चरण रख रहे हैं तो वो धन्य कमंडल हुआ चरणों की धूल से। आज महाराज जी वो धन्य कमंडल हुआ चरणों की धूल से, स्नान ध्रुव जी कर रहे चरणों की धूल से, राजा बलि खुश हो गया चरणों की धूल से, राजा बलि खुश हो गया चरणों की धूल से, राजा बलि खुश हो गया चरणों की धूल से, परिवार के वट का तरा चरणों की धूल से। जादू है जरा देखिए सुनिए। जैसे तरी अहिल्या वो पैरों की धूल से, के जैसे तरी अहिल्या की चरणों की धूल से, मस्तक सजाया विप्र के चरणों की धूल से, कान्हा सुशोभित गायों के चरणों की धूल से, काना सुशोभित गायों के चरणों की धूल से, और स्वस्थ हुए राधा के चरणों की धूल से, राधा के चरणों की धूल से, और स्वस्थ हुए राधा के चरणों की धूल से, तो काना सुशोभित हुए गायों के चरणों की
अभी चल रही है, चल रही है। लेकिन शशि जी कुछ ऐसे भक्त हैं जो भगवान के चरण की रज और भगवान के पैरों की वो पादुका कैसे ले जा रहे हैं, जरा सुनिएगा। सुनिए कि वो भाव भक्ति से है विभूषित, थोड़ा समय कम लग जाए। आज पुजारी जी सुनिएगा कि जो भाव भक्ति से है विभूषित वो नाम दिल में लिए जा रहे और वो भक्त बन कर स्वयं प्रभु की के वो भक्त बन कर स्वयं प्रभु की चरण पादुका लिए जा रहे। जो भाव भक्ति से है विभूषित वो भाव दिल में लिए जा रहे, भाव दिल में है वो विभूषित वो भाव दिल में लिए जा रहे, भाव भक्ति से है विभूषित वो भाव दिल में लिए जा रहे। अब देखिए कौन 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 चरण पादुका लिए जा रहे हैं, आप अपने आप समझ जाएंगे, कुछ देर तक बताने की आवश्यकता नहीं है। भैया राम को माता केकई ने वनवास मांग लिया और भैया भरत को जब ये पता चला कि मेरी माँ केकई ने वनवास मांग लिया तो चले भरत भैया को मनाने, चले भरत भैया को मनाने वो भाव अपना लगे दिखाने, वो भाव अपना लगे दिखाने। भरत ने कहा भैया राम से कि आप चले आइए, आपके बिना अयोध्या सुनी है। तो राम जी ने कहा अभी 14 वर्ष की अवधि पूरी नहीं हुई तो मगर ना लौटे अवध से रघुवर, मगर ना लौटे अवध को रघुवर तो चरण पादुका लगे गाने, अब जब चरण पादुका दे दी कहा यही ले जाओ मेरी तरफ से, तो देखिए भरत भैया कर क्या रहे हैं क्या। और ससुराज जी बस गीत की विशेषता ये है कि जो पैरों की चीज है वो जो भी ले जा रहा है वो सर पर रख कर ले जा रहा है, ये बात। जो पैरों की चीज है वो सर पर जा रही है तो लिखना पड़ा क्या, राम भक्त ले प्रभु की निशानी, वो भक्त बन कर स्वयं प्रभु की चरण पादुका लिए जा रहे, भक्त बन कर स्वयं प्रभु की चरण पादुका लिए जा रहे, भक्त बन कर स्वयं प्रभु की चरण पादुका लिए जा रहे। एक जगह और देखिए भगवान कन्हैया के पास उद्धव आए और उद्धव कहने लगे हे कन्हैया आप चलिए चलिए, तो यहाँ कन्हैया भी नहीं आ रहे हैं कर क्या रहे क्या। कहा कन्हैया ने उद्धव से के जाओ पत्रिका, अच्छा अच्छा, और मैं इस पुरस्कार को अभी जरूर बोल दूंगी, ये एक मूल्यवान स्नेह भरा पुरस्कार, 1101 मुद्राओं का मूल्यवान पुरस्कार, सम्मानिया हमारी लवली मिश्रा जी, आप किन्नर समाज की अध्यक्षा हैं और रुदौली की निवासी हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाकर सम्मानिया का स्वागत आप कर दीजिएगा। आपकी ओर से ये 1100 मुद्राएं हैं, मैं सादर नमन वंदन कर रही हूं और माता से आपके कल्याण की कामना कर रही हूं।
हालांकि आप लोगों का आशीर्वाद हम लोगों के लिए ईश्वर का आशीर्वाद है, धन्यवाद है। सुनिए के जाओ पत्रिका में भक्तों धो ध्यान हमारा वहीं पे धरना, कहा जाओ कन्हैया ने कहा जाओ पत्रिका में भक्त उधव और ध्यान वहीं पे हमारा धरना। हाँ। लेकिन उधव कहने लगे कन्हैया अगर आप नहीं चल रहे तो कुछ तो मिल जाए। हाँ। तो बिना निशानी के कैसे जाए। हाँ। तो देकर निशानी उपकार करना, श्याम रंग में रंगे थे उधव तो वो नाम भी मुख से लिए जा रहे। और कन्हैया ने अपने पैरों की पादुका दे दी तो लेकर जा रहे हो, लिखना पड़ा कि वो भक्त बनकर स्वयं प्रभु की चरण पादुका लिए जा रहे। वो भक्त बनकर स्वयं प्रभु की चरण पादुका लिए जा रहे, भक्त बनकर स्वयं प्रभु की चरण पादुका लिए जा रहे। शशि भैया देखिए भगवान की चरण पादुका तमाम लोग लिए जा रहे, लेकिन कलयुग में भी एक अलबेला भक्त मिला। मिला। आपने राम मंदिर की बात की कि राम मंदिर बना, सबके सबका मंदिर सबके राम। हाँ। तो उस राम लला के दरबार में भी तमाम लोगों ने तमाम सामान दिया। आप लोग जानते हैं किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। हाँ। किसी ने फल भिजवाए, किसी ने मिठाई भिजवाई। हाँ। लेकिन एक भक्त और है और ये भक्त हैं हैदराबाद के श्रीनिवास शास्त्री जी। उन्होंने क्या किया? क्या थे हैदराबादी भक्त देखो, कोई जोड़ नहीं आपको। वाह बेटे वाह, क्या बात है चौबे पुर के थे हैदराबादी भक्त देखो, भक्ति में था जीवन बिताया, भक्ति में था जीवन बिताया, भक्ति में था जीवन बिताया। और उन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी, उन्होंने कहा अगर रामलला अपने मंदिर में बैठ गए तो मैं उनकी खड़ाऊ बनवाऊंगा और अपने सर पर रख कर लेकर जाऊंगा। और वो खड़ाऊ उन्होंने उसमें 8 किलो चांदी 1 किलो सोना मिलाया और उस खड़ाऊ को बनवाया। तो चांदी सोना मिला के प्रभु की चरण पादुका खुद बनवाया, इतना ही नहीं किया अपने परिवार के सहित चरण पादुका को सर पर रखा। और करते क्या है कि 41 दिन स्वयं अवध की, सुनो परिक्रमा लगा रहे। 41 दिन तक वहां परिक्रमा की अवध की और अयोध्या धाम कितना पवित्र धाम है वहां भी मेरी पंक्ति कह रही है क्या कि वो भक्त बनकर स्वयं प्रभु की चरण पादुका लिए जा रहे। स्वयं प्रभु की जय जय राम मेरे राम।
ताल, थोड़ी सी गूंज बना दी। बहुत सुंदर जवाब और लाजवाब सवाल की तभी आपने सुना है। तमाम विद्वान श्रोतागण उपस्थित हैं। मेन माइक और बढ़ाई भी है। क्रांतिमाला जी ने जो समझना चाहिए था वो नहीं समझा और जो नहीं समझना चाहिए था उसको समझ लिया। मैंने गीत दिया था कि कलयुग केवल नाम आधारा, अरे मानस ये बतलाए, हाँ हाँ मानस ये बतलाए, हाँ हाँ मानस ये बतलाए। आपने टोक दिया घास हसी राज कमल जी। लोग गाते हैं, लोग कहते हैं, लेकिन रामचरित मानस में ये चौपाई है ही नहीं। क्रांतिमाला जी, मैंने कब कहा कि रामचरित मानस में ये चौपाई है? मैंने तो केवल इतना कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, मानस ये बतलाए। तमाम विद्वान उपस्थित हैं। वाह, मानस का मतलब जरूरी नहीं है कि रामचरित मानस ही हो। मानस यानी मस्तिष्क। क्या बात है, वाह। मानस मस्तिष्क को भी कहा जाता है। अब आपने टोका है तो मैं केवल तर्क दे रहा हूं। जो प्रयोग मैंने किया था गीत में वहां आपकी नजर नहीं पहुंची। मैंने एक श्लोक का प्रयोग किया था, रामाय राम भद्राय राम चंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। वहां आपकी नजर नहीं पहुंची है। बाकी जो भी आपने दिया हम भी कह रहे हैं, जपलो राम का नाम, आपने भी कहा जपलो राम का नाम, ठीक है। पहला जवाब था, जो भी आपने दिया है स्वीकार है। बाकी चैनल लगा हुआ है क्रांतिमाला जी, आज का ये कार्यक्रम जब तक गूगल रहेगा तब तक सुना जाएगा। लोग सुनेंगे स्वयं समझेंगे कि मेहनत कहाँ हो रही है। और क्या, अब एक गाना आपने दिया है, प्रयास कर रहा हूं कि जवाब दिया जाए। कि जो खानदानी रईस है वो, कि जो खानदानी रईस है जो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, कि तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। क्रांतिमाला जी, ये तो लोग आज गा रहे हैं, मैं आपको ओरिजिनल सुनाता हूं कि आखिर ओरिजिनल है क्या। क्या है, छलक रही है, वफा की सबनम छलक रही है, हमारी सांसों को छू के देखो तुम्हारी खुशबू महक रही है, और तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत छलक रही है। बहुत बढ़िया गाना और धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। ये ऐसा टॉनिक है कि अगर कलाकारों को मिल जाए
थकान दूर हो जाती है। गीत आपने और मामला आपने त्रेता से कलयुग तक पहुंचा दिया। चरण पादुका त्रेता में भरत जी, द्वापर में उद्धव जी और कलयुग में प्रभु राम जी का एक भक्त। प्रयास कर रहा हूं कि मामला अयोध्या से शुरू हुआ अयोध्या तक पहुंचा है, तो जवाब में भी ये कोशिश हो कि जो भी आए अयोध्या से लेकर अयोध्या तक पहुंच जाए। कि राम भक्त ले प्रभु की निशानी, हे राम भक्त ले प्रभु की निशानी, अरे मन में सुमिरन किए जा रहे कि वो भक्त देखो स्वयं प्रभु की चरण पादुका लिए जा रहे। आपकी पंक्ति आ रही है, लिए जा रहे, लिए जा रहे। क्रांतिमाला जी जवाब को सुनिएगा, सुनिए। सृष्टि का सारा सार है करुणा की दृष्टि में, सृष्टि का सारा सार है करुणा की दृष्टि में संपूर्ण, कि सृष्टि का सारा साज है करुणा की दृष्टि से संपूर्ण, ये समाज है करुणा की दृष्टि से, कि हर एक राम काज है करुणा की दृष्टि से, मस्तक की शोभा ताज है करुणा की दृष्टि से। आपने कहा चरण पादुका, क्रांतिमाला जी हम आप वाला काम नहीं कर रहे, मेहनत कर रहे हैं कि जवाब दिया जाए। चरण पादुका कहाँ होती है? पांव में। और चरणों का जवाब चरणों से नहीं होगा ना, चरणों का जवाब अगर चरण नीचे है तो मैं जो जवाब दे रहा हूं बिल्कुल ऊपर है। पहला जवाब दे रहा हूं, आखिर कैकेयी जो भरत से ज्यादा राम जी को प्रेम करती थी, कैकेयी ने राम जी के लिए वनवास क्यों मांगा? देखा कि महाराज दशरथ राज्याभिषेक करने के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन अयोध्या का राज मुकुट अयोध्या में है ही नहीं, तो राज्याभिषेक होगा कैसे? अयोध्या का राज मुकुट समझो बाली ने छीन लिया, बाली के पास है, और बाली अगर राम राजा बन गए तो फिर बाली कैसे मारा जाएगा, रावण कैसे मारा जाएगा? क्रांतिमाला जी प्रयास देखिए, कि अरे राज उस अवध राज का, अरे राज उस अवध राज का खुला अभी तक राज नहीं है, अरे राज उस अवध राज का खुला अभी तक राज नहीं है, कि राज तिलक होता भी तो कैसे, राज तिलक होता भी तो कैसे, अवध में कुल का ताज नहीं है, तो बन बनवासी बन बनवासी अवध नि
बनवासी, ये बन बनवासी अवध निवासी, अरे बन बनवासी अवध निवासी, अरे नवल ले भैया लिए आ रहे। जब रावण कुमारा 14 वर्षों के बाद अयोध्या वापस आए तो प्रभु राम कैसे आए कि बन बनवासी अवध निवासी रमा रमैया लिए आ रहे, करों में धारे सरों की शोभा, अरे नवल ले भैया लिए आ रहे, जो साज कुल का जो ताज कुल का वो रघु रैया लिए, अयोध्या का राज मुकुट भी लेकर के प्रभु राम जी आए। द्वापर में आपने कहा उधो क्रांतिमाला जी, कित्था कंस पापी बड़ा कुटिल वो, था कंस पापी बड़ा कुटिल वो, पिता वो माँ को बनाया पंती, कंस ने बहन बहनोई को तो जेल में डाला ही, अपने माता पिता को भी जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया था कंस पापी बड़ा कुटिल वो, पिता व माँ को बनाया बंदी, और हनन किया है कन्हैया और बलराम ने, हनन किया है मुकुट लिया है, हनन किया है मुकुट लिया है, नहीं बच सका वो छल छंदी, वध किया प्रभु राम भगवान कन्हैया ने। कुल बुझिया रे मामा को मारे, कुल बुझिया रे मामा को मारे, वीर लड़ैया लिए आ रहे, और जो ताज कुल का जो साज कुल का कंस से छीना और पहुंचे कारागार में जहां उग्रसेन बंदी थे, जो ताज कुल का जो साज कुल का वो दोनों भैया लिए, जोड़ता हूं कि समय की बंदिश है और धन्यवाद है जब आपकी तालियां लगातार मिल रही हैं, ये बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, ये है मेहनत। अंतिम टुकड़ा क्रांतिमाला जी, कि राम कृपा से, राम कृपा से राम नगर में, राम कृपा से राम नगर में, अरे बना मनोहर है भव्य मंदिर, जब राम मंदिर बना विदेशों से फूल आए,
आपने कहा हैदराबाद से चरण पादुका आ रही क्रांतिमाला जी, विदेशों से फूल आए जिनसे मंदिर सजाया गया, प्रभु राम जी की ससुराल जनकपुर से उनको नहलाने के लिए जल आया, सोने चांदी के वस्त्र आए, आभूषण आए, उनके ननिहाल से चावल आया, देश के कोने से कोने कोने से कुछ ना कुछ आ रहा है। चांदी के दरवाजे, अगरबत्ती, सोने का सिंहासन और ऐसी अगरबत्ती आई जो एक महीने तक जलती ही रहे, तमाम चीजें आई। लेकिन देखिएगा कि राम कृपा से रामनगर में हर बना मनोहर है नंद मंदिर, कि विराजे उसमें राम लला तो विराजे उसमें राम लला, जब बना वो मंदिर है भव्य मंदिर, तो साज सजे है नवल नवेले, साज सजे है नवल नवेले, लोग लुगैया लिए आ रहे। आपने कहा पादुका, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा जिसका नाम है मुकेश पटेल। मुकेश पटेल जी, कि राम लला का वो ताज सुंदर है, कि राम लला का वो ताज सुंदर, साज सजैया लिए बोली राजा रामचंद्र की। और ये